ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लुक देखो इसकी कितनी तगड़ी आ रही है। खासियत ये है, रात को दिन कर देगी ये। पूरी लेजेंडर बन चुकी है, पहली बार अपनी गाड़ी में इंस्टॉल हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज की इस वीडियो में जो गाड़ी आपको खुली खुली दिख रही है ना, ये पूरी कंप्लीट नजर आएगी। GR स्पोर्ट वाली किट, लाइट्स वगैरह सब कुछ पूरा हो जाएगा। मतलब अब और इस वीडियोस को नहीं खींचेंगे, फाइनली आपको फाइनल लुक दिख जाएगा अपनी GR स्पोर्ट का। अभी सबसे पहले ना इसकी जो रूफ है वो रैप होएगी और बाकी शीशा वीशा लगेगा, इंटीरियर के सारे काम होंगे और अभी यहाँ पे फुटस्टेप भी लगने वाला है। तो आज बहुत सारी चीजें होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको ना एक एक करके सब दिखाने वाली हूँ कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ना गाड़ी रैप होनी स्टार्ट होएगी, तो इसकी जो रूफ है वो मैट ब्लैक में रैप हो रही है क्योंकि लेजेंडर मैट ब्लैक में ही होती है। मतलब रूफ मैट ब्लैक में ही रैप होती है यार, GR स्पोर्ट कह लो, वही बात है। और ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरे डेनिसन का ही रैप है। बाकी यार ये जो रूफ रैप होने के बाद देखना कितनी मस्त लुक आ जाएगी। ये जो पिलर्स है ना इसको भी ब्लैक करा लेंगे, बहुत प्यारी लगेगी। यहाँ पे जो रूफ ब्लैक होनी थी पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी है, पिलर्स भी ब्लैक हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रूफ रेल इंस्टॉल हो गई है, आगे वाला पार्ट अभी बाकी है, वो भी अभी इंस्टॉल हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ORVMs भी लग गए हैं। अभी अपनी जो गाड़ी है ना वो अंदर से भी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है, गत्ते तो सारे लग ही चुके हैं, सीट बेल्ट भी लग चुकी है, आगे वाली दो बाकी है। और यहाँ पे अगर आप रूफ देखोगे ना तो रूफ की फिटिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हो, बस यहाँ से ये फिक्स हो रही है। इवन यहाँ पे अगर AC की सारी फिटिंग की बात करें तो वो भी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये जो क्वार्टर पैनल के ऊपर आप प्लास्टिक देख रहे हो ना, ये भी न्यू शेप का है क्योंकि क्वार्टर पैनल न्यू शेप में चेंज हुआ है, तो ये भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी गाड़ी का इंटीरियर ना ऑलमोस्ट पैक हो गया है। यहाँ पे कंबल लग चुका है और यहाँ पे ये वाले पैनल्स देख सकते हो, ये भी पूरे फिट हो गए हैं। देन यहाँ पे जो रूफ लग रही थी उसकी फिटिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और एक बार आगे भी आओ, इधर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ गत्ता लग चुका है और यहाँ भी, बेसिकली चारों के चारों गत्ते भी फिट हो गए हैं। अभी बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, अग्री कर रही हूँ, पर बस एक ड्राई क्लीन की मार है, ड्राई क्लीन होते ही सब साफ हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो सीट्स वगैरह सारी फिट हो गई है। अब भाई मेरे को पता है बहुत ज्यादा गंदी लग रही है, पर वही बात है कि ड्राई क्लीन होने के बाद सब साफ सुथरा हो जाएगा। आज की वीडियो में ना आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बुखार हो रखा है कि मैंने कंबल ऑर्डर किया है, गाड़ी में हीटर चला के यहाँ पे ही बैठी हुई हूँ और आज ठंडी हवा भी बहुत चल रही है और ठंड लग गई। और यहाँ पे हो रही है अपनी गाड़ी की रबिंग। फ्रंट और साइड से पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ रियर पार्ट बाकी है। और ये कंप्लीट होने के बाद ना अपनी गाड़ी एकदम चमक जाएगी। और यहाँ पे ना अपनी गाड़ी में न्यू शेप की विंडशील्ड इंस्टॉल हो रही है। आज तक ना किसी भी ओल्ड शेप की फॉर्च्यूनर में न्यू शेप की विंडशील्ड इंस्टॉल नहीं हुई है, पहली बार अपनी गाड़ी में इंस्टॉल हो रही है। तो ये आ गई है अपनी न्यू शेप की विंडशील्ड। और जब इसकी ऑल्ट्रेशन वगैरह हो रही थी तो मैंने वो चीज़ आपको पहले ही दिखा दी थी, अब इसकी सिर्फ फाइनल इंस्टॉलेशन बाकी है जो कि अभी हो रही है। और यहाँ पे ना पहले ग्लास सीलेंट लगाते हैं जिससे कि विंडशील्ड प्रॉपर अपनी जगह पे होल्ड करके रखी जाती है और ये बिल्कुल स्टेबल रहती है जगह पे। न्यू शेप की विंडशील्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके ऊपर लगा रहे हैं टेप ताकि एक बार सपोर्ट बना रहे, ये हमेशा के लिए नहीं लगी रहती, एक बार के लिए लगाई जाती है। जब डिलीवरी के टाइम पे गाड़ी फाइनल रेडी हो जाएगी उस टाइम पे उतार देंगे। तो आज नेक्स्ट डे है, बीच में मैंने एक दिन रेस्ट भी किया था, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिटिंग वगैरह जो लास्ट हुई वो हुई, उसके बाद अभी जो फुटस्टेप्स है ना Type 3 वाले वो वाले यहाँ पे फिट हो रहे हैं। और ये रहा अपनी गाड़ी का बंपर जो कि आ चुका है, इसमें ना कुछ सेटिंग चल रही है, उसके बाद ये भी लग जाएगा। आज अपनी फॉर्च्यूनर तो कम्प्लीट होने ही वाली है, लेकिन मैं आज आपको एक मस्त चीज रेकमेंड करती हूँ, ये है इन्वॉल्व का मस्क परफ्यूम। ये ना बेस्ट सेलिंग का परफ्यूम है और मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है इन्वॉल्व की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर मिल जाता है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके ऊपर से जैसे अगर इस तरह की आपकी गाड़ी है तो अगर ये गिर गया तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये स्पिल प्रूफ है। एंड द फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी डिफरेंट सी अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसकी। और ये छोटा सा है, गाड़ी में कहीं पे भी फिट आ जाता है और उसके ऊपर से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो यार आज नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी के ऊपर फिटिंग वगैरह चल रही है, पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आगे से ना हमने कुछ भी फिट नहीं करवाया। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी के रेडिएटर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए आगे से फिटिंग रुकवा रखी थी, बम्पर्स वगैरह कुछ भी फिट नहीं करवाए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो काम हो रहा है, ये हम आपको फिटिंग्स एक्सेसरीज और ये सब दिखा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं करते, इसके साथ साथ मैकेनिकल काम भी करते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज सही करवा दो। तो ये रेडिएटर में गौरव क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर ना, आपका जब हम टेस्ट कर रहे थे तो देखा, तो इसके जो रेडिएटर का ये देख रहे होंगे ना आप, ये टूटा हुआ था ये वाला। हाँ जी, तो ये पाइप निकला हुआ था, तो खाली हमारे पास रेडिएटर रिपेयर या मतलब हम
मैकेनिकल भी करते हैं, यानी कि सिर्फ बाहर से ही देखते हैं। तो हमने जब चेक करा था तो ये लीक कर रहा था थोड़ा सा, तो फिर ये हमने खाली टंकी इसका रिप्लेस कर दिया है। अब ये उसके बाद हम इसको फिट करके आगे इसका वर्किंग चेक। कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। इसे टंकी तो डाली है, वो ये देख रहे हो कि थोड़ा नया जैसा लग रहा है, तो हमने क्लीन भी कराया और टेस्ट भी करा कि कोई लीकेज तो नहीं है। छोटी मोटी रिपेयरिंग होती है तो हम करा देते हैं, अदरवाइज हम रिप्लेस ही रिकमेंड करते हैं कि आप रिप्लेस ही करा लो। लेकिन ये नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल सी बेसिक सी चीज थी, तो ये जितना पार्ट डैमेज था वो चेंज करवा दिया। यार बेसिकली अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हो ना, तो ये जो छोटे मोटे वियर एंड टियर है ये होते रहते हैं। कुछ मतलब मुझे पता था इंजन वाइज जो गाड़ी है ना बहुत ज्यादा सही है। अब ये तो एक छोटी सी चीज है, 1500 वाले खर्चे तो आते ही आते हैं, गाड़ी चलानी है तो खर्चे तो आएंगे ही। तो यहाँ पे अगर आप साइड से देखोगे ना, तो इसकी जो क्लैडिंग्स है ये भी न्यू शेप वाली फिट हो गई है, देख सकते हो आप। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो टेल लाइट्स फिट हो रही है, यहाँ पे दोनों साइड पे टेल लैम्प्स फिट हो गए हैं, लेजेंडर वाले टेल लैम्प्स आप देख सकते हो। पर ये ना टोयोटा ओरिजिनल नहीं होते, लेजेंडर वाली किट में आते हैं और मेड इन ताइवान होते हैं ये। और ये ना टू पार्ट्स में होते हैं, देख सकते हो, एक यहाँ पे लगता है और एक पार्ट प्रॉपर यहाँ पे फिट होता है। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि यहाँ पे पिलर लाइट्स लगाते हैं, लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं ना अवॉइड ही करती हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिसमें फॉर्च्यूनर के इनिशियल्स होते हैं, पूरा ब्लैक कलर में लग गया है। इसमें ऑप्शन क्रोम वाला भी था, लेकिन क्योंकि लेजेंडर में ब्लैक आता है इसलिए मैंने ब्लैक वाला लगवाया है। और यहाँ पे अभी आपको ये जो रेडिएटर दिखाया था जो रिपेयर होके आया है, वो वापस फिट भी हो रहा है। तो आज है नेक्स्ट डे, आज ना मैं गाड़ी की सारी फिटिंग्स वगैरह पूरी करवा ही लूंगी। मैंने ना आपको ये जो अपनी गाड़ी का बंपर दिखाया था ना, इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉग लैम्प्स नजर आएंगे। जो लेजेंडर या GR स्पोर्ट वाली किट आती है ना, उसमें ये इंक्लूडेड आते हैं। और ये देखो इधर आओ, ये वाले जो हेड लैम्प्स आप देख रहे हो ना, ये भी साथ में किट में ही आते हैं। तो ये जो लेजेंडर वाली किट आ रही है जिसमें फॉग लैम्प्स और ये हेड लैम्प्स इंक्लूड आते हैं, इसकी रोशनी वैसे तो डिसेंट होती है, लेकिन यार मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोशनी चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, ये जो है ये तो पीछे से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पूरे पैक आते हैं, अपने को लाइट तो लेजेंडर वाली चाहिए, तो इसमें तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती हूं। लेकिन जो हम प्ले कर सकते हैं वो फॉग लैम्प्स के साथ में कर सकते हैं। तो एक बार जाके ना गौरव भैया से पूछते हैं कि कुछ अच्छा ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि ना मेरा नाइट ड्राइव का बहुत रहता है, तो मुझे एक अच्छी लाइट अपनी गाड़ी में चाहिए। तो चलो चल के पूछते हैं। अभी जैसे ना मैं बाहर सबको ये अपनी लेजेंडर किट वगैरह दिखा रही थी, तो उसमें जो फॉग लैम्प्स आते हैं और ये जो पूरा लाइट का सेटअप वैसे तो अच्छा है, डिसेंट है, बट मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। अब क्योंकि वो एक सिर्फ 2 इंच का प्रोजेक्टर है जिसमें हम प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज लेजेंडर लाइट तो जो है वो पूरी पैक्ड आती है, तो कुछ अच्छा सजेस्ट करो कि मजा आ जाए मतलब लाइट वगैरह। देखिए वैसे तो जो इसकी LED, आपने ठीक बोला, जो इसके साथ LEDs आते हैं फॉग लैम्प में 2 इंचेस वाले, वो अच्छे हैं, डिसेंट है। पर हम एक और भी सजेस्ट करते हैं, ओजोन ब्रांड है जो कि बहुत प्रीमियम ब्रांड है लाइटिंग सेटअप का। हां जी, तो इसमें क्या है कि आप इसमें ये लगवा सकते हो फॉग लाइट्स की जगह पे 2 इंची के प्रोजेक्टर लैम्प्स आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये है ओजोन ब्रांड में और विद वारंटी है। हाँ, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत ये लाइटिंग सेटअप में प्रीमियम ब्रांड है, बहुत ज्यादा। इसका नाम आपने सुना ही होगा। ऑफ कोर्स सुना है मैंने, वही मैंने नाम सुना है, बाकी देखते हैं अब, क्योंकि वही बात है ना, 2 इंच से ऊपर हम जा नहीं सकते, 2 इंच से हमारे पास वही ऑप्शन है, तो उसमें कुछ लाइट ऐसी होनी चाहिए कि मजा आए। जी जी जी, बाकी जैसे आप कह रहे हो कि 2 इंच से ऊपर नहीं जा सकते, हम लगा सकते हैं इसमें 3 इंचेस वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है, उसमें आपको ब्रैकेट्स कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, ऑल्टरेशन वगैरह होते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ब्रांड अगर किसी को भी फॉर्च्यूनर है और किसी को अपनी फॉग लाइट्स अपग्रेड करनी है, तो ये सिंपल है, कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आप इजीली टू इंस्टॉल है, कोई भी आपके यहाँ पे कहीं भी कोई भी फिक्स कर सकता है। यार ये जो आपने प्रोजेक्टर्स दिखाए ये तो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट चाहिए, क्योंकि मेरी नाइट ड्राइव काफी रहती है और बिल्कुल अंधेरे वाला रास्ता होता है, तो उसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास? देखिए वैसे तो इसमें जो लेजेंडर की हेडलाइट्स आती है, इसमें अपने आप में लाइटिंग सेटअप अच्छा है, फिर आप इसके साथ साथ ये और अपग्रेड करा रहे हो, तो उसके बाद फिर ऑक्सिलरी लाइट का एक ऑप्शन और आता है, वो वैसे इसमें कहीं ऑप्शन नहीं होता, बट यस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको कस्टमाइज करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वो भी दिखा दो प्लीज। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका एक बाइफोकल आता है, ओजोन ब्रांड में ही आता है, और मैं मतलब अच्छे ब्रांड्स में ही डील करता हूँ, तो मुझे यह है कि मैं इस ब्रांड में, मुझे हमेशा कोई शिकायत नहीं आई, मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि इसका ये आप देखो जी, जो इसकी ऑक्सिलरी है ना, इसकी खासियत ये है कि ये रात को दिन कर देगी ये इतना अच्छा सेटअप है, और ये मजा आएगा हमारे व्यूअर्स को ना, जब हम पूरा सेटअप लगा के ना हम चला के दिखाएंगे रात को, मुझे लग रहा है तब मजा आएगा आपको कि हाँ ये क्या है, क्या चीज है।
तो अपने ना एक बार ये जितना भी लाइट सेटअप मैंने अजोम का आपको दिखाया है वो एक बार लगवा के दिखाते हैं कि कैसा रिस्पांस आता है। बाकी ये जो 5 LED अभी आपको ऑक्सिलरी लाइट हमने दिखाई है ना, ये मैंने आपको अनमोल जायसवाल की गाड़ी पे भी दिखाई थी, उन्होंने भी कहा था कि इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। तो लेट्स सी कैसा लगता है वो, तो अभी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो अजोम वाले प्रोजेक्टर्स आपको दिखाए थे उसकी फिटिंग चल रही है। अब दोनों में ना आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये तो अजोम वाला है और ये जो इसमें किट में इंक्लूडेड आता है वो वाला है, तो आपको वैसे ही डिफरेंस नजर आ रहा होगा। बाकी एक बार लगने के बाद जो मजा आएगा ना फिर देखते हैं कैसा आ रहा है। तो अब अपनी गाड़ी की ये जो लेजेंडर वाली लाइट्स है ये फाइनल बारी इंस्टॉल हो रही है, अब नहीं उतरेगी। एक बार पहले भी आपको इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल दिखाने के लिए मतलब इंस्टॉल की थी, अब फाइनल टाइम है। ये जो न्यू टाइम मेंबर लगाया है इसको इंस्टॉल होने का फायदा देख रहे हो, सब कुछ ये बोल्ट टू बोल्ट फिट हो रहा है, कुछ भी पैनल गैप नहीं आएगा, प्रॉपर इंस्टॉलेशन है, कुछ भी चाइनीज पेच वाला जुगाड़ नहीं है यहाँ। यार यहाँ पे ना हमारे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिसमें से एक ये है, इसका नाम ही कालू है और ये पहचानता है इसको कालू बुलाएं तो। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा अग्रेसिव डॉग है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी इसने हम पे आके भौंका हो या बोला। वही बात है, डॉग्स को पता होता है कि कौन इन्हें प्यार करेगा कौन प्यार नहीं करेगा, अदरवाइज ये किसी को नहीं बख्शता है। और इतना प्यारा है ना ये, मतलब एक बार बोलते ही आता है और आके ना सुबह सबसे पहले क्या करेगा, पैरों में लेट जाएगा। और अभी है ना इसको ये सॉफ्ट जगह मिल गई है, ये जो गाड़ी की छत है, तो गोल घूम के सारे यहाँ पे आके बैठ गया, क्योंकि यार ऑब्वियसली इनको भी ठंड लगती है। कालू कालू कालू। दूसरा ये डॉग है जिसकी हेजल आइज है, लेकिन ये बहुत फट्टू है भाई, बहुत फट्टू है। इसको थोड़ा सा मैं बुलाऊंगी ना प्यार करेंगे, प्यार भी नहीं कराएगा, ये देखो कितना डरता है। राइट साइड वाली तो हेडलाइट्स इंस्टॉल हो गई है, अब लेफ्ट साइड वाली भी इंस्टॉल हो रही है। ये देखो अपनी ऑक्सिलरी लाइट जो मैंने आपको दिखाई थी ये ऑन हो गई है, और इसका थ्रो देखो यार कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे मतलब डे का टाइम है अभी, उसके बाद भी रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है। इसमें ना आपको 5 लाइट्स मिलती है जिसमें से ऊपर वाली 2 है ना येलो प्रोजेक्शन देती है, तो बेसिकली फॉग में भी अगर आप इसको लाइट करोगे ना तो बहुत ही अच्छा थ्रो आने वाला है। तो ये जो ऑक्सिलरी लाइट जिसका अभी रिस्पॉन्स आपको दिखाया है बहुत अमेजिंग लगा, अग्री करती हूँ, बट इसको ना प्राइमरी लाइट्स की तरह यूज नहीं करना है। इसको कब यूज करना है, या तो आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर आप जा रहे हो बिल्कुल अंधेरे में बिल्कुल खाली रास्ते में, ताकि सामने किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे मेरे केस में क्या है, मैं यहाँ दिल्ली से गंगानगर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ जहाँ मेरा होम टाउन है, तो रात के टाइम में जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उस रास्ते में ना बंदा ना बंदे की जात कोई भी नहीं होता है, उस टाइम पे मुझे इस लाइट की जरूरत पड़ती है। इसके साथ मैं एक स्पेशल स्विच लगवाने वाली हूँ, ये बहुत ही रेयर यूज करने वाली चीज़ है। सिटी में मैं आप बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको यूज करो, और मान लो अगर आप बिजी हाईवे पे भी इसको यूज कर रहे हो तो बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है यूज करना, क्योंकि जो भी जनता ट्रैवल कर रही है उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये बहुत ही रेयर सिनेरियो में यूज करने वाली चीज है, तो मैं स्पेसिफिक स्विच लगाऊंगी कि अगर मैं रात को कभी ट्रैवल कर रही हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, उस टाइम पे ये काफी कन्वीनियंट रहती है, या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो उसमें भी कन्वीनियंस है। तो अब अपनी फॉर्च्यूनर पे ना बम्पर लगने की बारी है, वो देखो वहां से बम्पर उठा के ला रहे हैं, अब ये लगाएंगे। जो जीआर स्पोर्ट की बैजिंग आती है ना उसके लिए यहाँ पे जगह बनी होती है, वो भी अलग से लगेगी, अभी लगनी बाकी बाद में लगाएंगे ताकि वो गिर ना जाए। ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो फॉग लैंप्स की वायरिंग है ना, वो जो कपलर्स है वो फिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखोगे तो ये भी ऑन हो चुके हैं, यार कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। नीचे वो देख सकते हो जो फॉग लैंप की वायरिंग है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस ये विद इन फ्यू सेकंड्स ये भी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे बम्पर पूरा का पूरा फिट हो चुका है। और जीआर स्पोर्ट में अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो होता है व्हाइट होता है, बट इसमें ये ब्लैक है, हमने ब्लैक ही रखा है क्योंकि ज़्यादा सुंदर देखने में ब्लैक ही लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम ना लेजेंडर और जीआर स्पोर्ट की वो चीज़ पिक कर रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आप ये क्लैडिंग देखोगे ना तो जीआर स्पोर्ट में वाइट में आती है क्लैडिंग्स, अगर हम चाहें तो हम भी वाइट करवा सकते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली ये ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये जो गाड़ी है ना ये एक्चुअल में जीआर स्पोर्ट और लेजेंडर का कॉम्बिनेशन बनने वाली है, हमें जिसमें जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको पिक कर रहे हैं और इस गाड़ी में डाल रहे हैं। लास्ट में जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना आप खुद कहोगे हाँ भाई बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ ये जो ऑक्सिलरी लाइट है ना ये इंस्टॉल हो रही है देख सकते हो, और ये ना काफी ज्यादा हैवी है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ ऐसे ब्रैकेट्स यूज किए जा रहे हैं, अभी वहां पे फिट हो रहा है तो ये भी आपको दिख रहा होगा। ये जो ऑक्सिलरी लाइट्स आप देख रहे हो ना ये शो पर्पस के लिए नहीं है, शायद ये इतने सुंदर नहीं लगते हैं, बट जिस पर्पस से मुझे चाहिए वो पर्पस मेरा डेफिनेटली सॉल्व करेगी, क्योंकि इसकी लाइट्स जेन्युइनली बहुत अमेजिंग है। ये सुंदर लगते हैं, ऐसी बात नहीं कर रही हूं कि सुंदर नहीं लगते, बट थार हो या स्कॉर्पियन हो ऐसी गाड़ियां जो बॉक्सी डिजाइन में आती है ना उस पे बहुत ज्यादा ही सुंदर लगते हैं। ये अपनी थोड़ी सी क्लासी एलिगेंट टाइप है, इस पे भी अच्छे लग रहे हैं बट बॉक्सी कार्स पे और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। बट हाँ ये चीज है, एटलीस्ट अब अंधेरे में कहीं अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट में तो देख ही लिया आपने कितना अमेजिंग है इसका थ्रो। एक बार ये सारा कंप्लीट लाइट सेटअप इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद इसका ना फाइनल लाइट सेटअप भी आपको दिखाऊंगी ऑन करके। और ये रहा अपनी जीआर स्पोर्ट्स का लोगो, इसको फिट करने के लिए ना आपको स्पेसिफिक होलो एरिया दिख जाएगा, जैसे शेप का ये है वैसा ही थोड़ा सा कटआउट सा आपको मिल जाता है जिसमें प्रॉपरली फिट हो जाता है।
और अभी ना यहाँ पे एसी की जो गैस है वो वापस से भरी जा रही है। पहले निकाल देते हैं क्योंकि ये सब कुछ निकाला जाता है, अब वापस फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी का जो रियर बम्पर है उस पर फिटिंग्स चल रही है। पीछे से आपने देखा होगा वैसे कम्प्लीट हो चुकी है, सिर्फ ये रियर बम्पर वाला पार्ट बाकी था, वो अभी फिट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रियर बम्पर में रिफ्लेक्टर फिट हो रहा है, ये देख सकते हो, एक वहाँ पे फिट हो रहा है, एक अभी ये मेरे हाथ में। बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रियर बम्पर अभी मैं आपको दिखा रही थी वो नीचे रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड से फिट हो गए हैं, अब बस रियर बम्पर फिट हो रहा है। तो ये रियर बम्पर जो है वो प्रॉपरली फिट हो चुका है। एक बार बंद करके भी आपको दिखा देती हूँ, तो ये देख सकते हो कुछ ऐसी लुक आ रही है। लो जी, पूरी लेजेंडर बन चुकी है और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। फ्रंट में सिर्फ एक ही काम बाकी था, वो था ग्रिल लगने का। तो ग्रिल यहाँ पे पूरी लग चुकी है और उसके बाद लास्ट चीज जो बाकी है वो है यहाँ पे लोगो लगने की। अब आगे से अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लुक देखो इसकी कितनी तगड़ी आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। एक बार अब बोनट भी बंद करके दिखा दो ताकि और बेटर लुक दिख सके लोगों को। अभी ना इसकी कुछ प्रॉपर एडजस्टमेंट और बाकी है, तो एक बार हमने बोनट रख के यूं ही आपको दिखा दिया है। देख सकते हो भाई कितनी सुंदर लग रही है। एक बार इधर से आगे भी दिखा दो, ये GR स्पोर्ट का जो लोगो लग रहा है ना ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई अपनी गाड़ी एक्सटीरियर से अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है। थोड़ी बहुत कुछ चीजें बाकी है, तो अभी क्या क्या काम बाकी है बेसिकली वो बता दो थोड़ा। देखो छोटे छोटे काम ही बचे, वैसे तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है, जैसे लोगो रह गया, कल ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग करेंगे, एक बार फाइनल पॉलिशिंग रबिंग करेंगे। उसके अलावा मेन आपका गाड़ी का सर्विस का जो काम है सर्विस करेंगे गाड़ी की, और ऑडियो अपग्रेड जो करने हैं वो करेंगे। तो फाइनली बस ना देखोगे बाहर से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल माइनर सी, वो करनी बाकी है, वो हम लोग कल करेंगे। इसके साथ साथ ना इसमें सर्विस और ऑडियो अपग्रेड, ये दो मेजर चीजें हैं जो बाकी है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगी। और बस कल तो हम इसकी वैसे भी डिलीवरी लेने ही वाले हैं, तो वो तो आपके साथ में शेयर करेंगे ही। और बाकी इसकी जो लाइट्स है ना उसका रिस्पॉन्स भी एक बार पूरी कंप्लीट हो जाए, 100% डन हो जाए, उसके बाद ढंग से आपको चेक करवा दूंगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।